बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद मोहम्मद अजमल रहीम आपको अपने डिजिटल चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। प्रोग्राम लेके आया हूँ, ये महीना टॉरस के लिए कैसा होगा और ये महीना 22 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान क्या होने जा रहा है। हमारा अगस्त का महीना 22 जुलाई से शुरू होता है और ये आपके चौथे घर में सन इस वक्त है और बगैर किसी मनफी की वजह से लियो में बैठा है। तो इसलिए आपको ये हफ़्ता जो अगस्त का महीना यहाँ आपको काफ़ी फ़ायदा देता हुआ नज़र आता है, क्योंकि सन मरकरी वीनस इकट्ठे बैठे हैं। फिर 26 को मरकरी निकल जाएगा, फिर 5 अगस्त को वीनस निकल जाएगा, वो आपके पांचवें घर में चला जाएगा और फिर रेट्रोग्रेड होके 15 अगस्त को मरकरी वापस आपके आ जाएगा आप चौथे घर में। तो ये एक मज़ेदार किस्म की आपकी होगी सिचुएशन। रेट्रोग्रेशन का अपने सर पे सवार ना कीजिएगा, मास वाय स्किन के प्रॉब्लम, एलर्जी और मैदा ख़राब हो सकता है, इसके अलावा आपको किसी किस्म का सेटबैक नहीं है। सन आपका चौथे घर में और चौथे का लॉर्ड चौथे घर में बैठा कमाल का रिजल्ट देगा यहाँ पे, और आपका जनरल हैप्पीनेस ये घर है, प्रॉपर्टी का घर है, आपकी व्हीकल्स का घर है और आपके फेम का घर है, प्रॉस्पेरिटी और इंटेलिजेंस का घर है। तो इसमें आपको तो एक्सक्यूज़ मी तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा दे देगा। कोई नया प्लॉट मिल जाएगा, कोई नया घर बना लेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आपको कुछ फ़ायदा मिल जाएगा, कोई ऐसी पॉलिसी आ जाएगी जिससे आपके बिजनेस में भी उठान आ जाएगी, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। कैटल्स का बिजनेस करने वालों को प्राइवेट अफेयर्स में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। कोई नई गाड़ी खरीदते नज़र आते हैं, कोई नया मकान खरीदते नज़र आते हैं, मोरालिटी आपकी बहुत अच्छी होगी, एक शान शौकत वाला हाल होगा, वेदर बड़ा अच्छा होगा, कोई फेम डिफेमनेस आपकी ख़त्म हो जाएगी और कोई गुमी हुई चीज़ भी आपको मिल जाएगी। फील्ड्स फ्रॉम ऑर्चर्ड क्रॉप्स माइंस, इसमें भी आपको ख़ास तौर पे ज़मीन से निकलती हुई चीज़ें मादनियात, और अगर आपका गवर्नमेंट से ठेका हुआ होगा तो वहाँ से आपको कमाल का, आपको कोई माइंस का ठेका मिल जाएगा, आपको किसी और का ठेका मिल जाएगा। वालदैन की तरफ से आपको बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी यहाँ पे, आप बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं दयालु, बड़ा अपलिफ्ट और ये नज़र आते हुए। अब चौथा घर में क्या हो सकता है, एक तो सन मरकरी और वीनस इकट्ठे बैठे तो दिमाग आपका बहुत शार्प होगा, तेज़ होगा, इंटेलिजेंस होगी, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड होगा, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होगा, बोलेंगे बहुत अच्छा, कमाल की आपकी होगी। 27 को मरकरी आपके पांचवें घर में चला जाएगा विरगो में, वो भी आपको बहुत फ़ायदा दे देगा, आपकी ऑरिटोरिकल एबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, आपकी रिक्रिएशन आपके बच्चों के साथ आपकी मूवमेंट होगी, और वीनस साथ बैठा जिससे आप बड़े अफेक्शनेट, आप बहुत ज़्यादा कह लें कि दयालु किस्म, दयालु पे लफ्ज़ यूज़ बार बार यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ही रोमांटिक होंगे, बहुत ज़्यादा वार्म हार्टेड होंगे, आपका लोगों के साथ अट्रैक्शन बहुत अच्छा होगा और एक्टिंग बड़ी अच्छी करेंगे, कमाल के चीयरफुल होंगे और पोलाइट होंगे बहुत ज़्यादा, कोई ना कोई फॉर्चून हो सकता है, व्हीकल ले सकते हैं, प्रॉपर्टी, जेवर, महंगे कपड़े, ये भी आप लेते हुए नज़र आते हैं। तो कमाल का ये आपका ये एक टाइम होगा, वालदा की तरफ से भी आपको बहुत सपोर्ट मिलती हुई नज़र आती है। सन फिर 5 तारीख के बाद आपका सिर्फ सन रह जाएगा इधर, तो यहाँ पे फिर आप खुद अकेले जो कहते हैं ना थोड़े से संजीदा अच्छे कपड़े पहन के, प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, बहुत कमाल के एक दूसरे के साथ आप करेंगे इंटरेक्शन, एक अकड़ाव होगा आपके अंदर, एक रख रखाव होगा, एक ईगो होगी, और जैसे लियो करते हैं। अच्छा, फिर आपका आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला आपके अंदर होगा और आपके बाल चाल बना के प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होगी, आपके जनरल असासों में इजाफा हो सकता है, आपके आपका अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम अफेक्ट है वो ठीक हो जाएगा, मौसम बहुत अच्छा होगा, ज़मीन से निकलती हुई चीज़ों में आपको बहुत फ़ायदा होगा, बिजनेस में आपको उठान मिलती हुई नज़र आ रही है, अगर कोई आपके कोई मुकदमा चल रहा है आपके ऊपर वो ख़त्म हो जाएगा और आपके प्राइवेट काम में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। ख़वातीन का चेस्ट का अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है वो भी ठीक हो जाएगा।
और यहाँ पे नई गाड़ियाँ, नए मकान, नया ये, यानी कि यहाँ पे आपके दो चीज़ें आपका उठान, जैसे ये दसवां घर भी मिलता है, कारोबार में है तो उसमें उठान मिल जाएगी, और अगर आप जॉब करते हैं तो उसमें भी उठान मिल जाएगी, और कोई ना कोई ज़मीन, प्लाट, मकान, गाड़ी, यानी किसी न किसी तरफ से आपको अपलिफ्ट मिलती हुई नज़र आती है। जहनी सुकून बहुत होगा, बहुत ज़्यादा, और बड़ी ईमानदारी से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड होकर वापस चौथे घर में आएगा, तो उसका कोई अपने, वो लोग जो सब्जियों का कारोबार करते हैं, स्कूल कॉलेजेस का कारोबार करते हैं, या वो कह लें कि मरकरी से रिलेटेड कमर्शियल, वो ज़रा थोड़ा सा मुताहत हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई टैक्स लग जाएगा, कोई गवर्नमेंट की तरफ से उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, बट दे विल हैंडल इट प्रॉपरली, कोई मसला मसाइल नहीं होगा। और 15 से 22 अगस्त के दरमियान आप थोड़ा सा कह लें कि ओवर एक्टिव होंगे, ओवर टाकटिव होंगे, और अपने मामलात को उलझाने की खुद ही कोशिश करेंगे, तो उस वक्त आप अपने आप को ट्राई टू कीप योर सेल्फ नॉर्मल, और जैसा है वैसा ही चलने दीजिएगा, और सब्ज़ दाल परिंदों को डाल दीजिएगा, इसका सदका है मरकरी का, और अपने मैदे का ख्याल करना होगा। अब मैदे की ख़राबी की वजह से आपको ऐसा लगेगा जैसे हार्ट पे प्रेशर आ रहा है, तो ये ऐसी दो तीन चीज़ें आपको महसूस हो सकती हैं, और इसलिए ये बेस्ट टाइम है आपकी अपग्रेडेशन का, बिज़नेस में उठान का, बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने का, ख़ास तौर पे अगर ट्रेड करते हैं तो ट्रेड में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, कोई ना कोई आपको यहाँ पे एडवांटेजेस मिलता हुआ नज़र आता है। वालदा की तरफ से आपको बहुत सुख मिलता है, वालदा कोई प्रॉपर्टी आपको दे सकती है, कोई पैसे दे सकती है, वालदा की दुआएँ आपके साथ होंगी, वालदा आपको कोई ना कोई कम्फर्ट जोन में लेके आएगी, तो इसलिए वालदा के साथ बना के रखिएगा, ये ना हो कि वालदा को इग्नोर करें, और वालदा की दुआ ही होती ना वो भी बहुत ही हैवी होती है, बहुत ही हैवी होती है, अगर उनकी दुआ अल्लाह ताला सुनता बड़ी जल्दी है, तो इसलिए आप जिस काम में भी है, जैसे भी है, आपका अपना हाकम स्यारा भी बहुत स्ट्रांग बैठा है, तो खुल के खेलिएगा, इन्जॉय कीजिएगा, गुस्सा नहीं करना, और जितना इन्जॉय कर सकते हैं उतना कीजिएगा, आपकी ज़िंदगी में ये महीना बहुत खुशियाँ लेके आएगा। इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, हफ्तावार मुलाकात तो आपके साथ हर दफ़ा होती रहती है, बट महीने की मुलाकात महीने बाद ही होती है, तो ये अगस्त का महीना टॉरियन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, और काफ़ी इनको कुछ दे जाएगा, इसलिए आप छुट्टियां, किताब आपके पीछे नज़र आ रही है, काफ़ी सेल हो रही है, और मज़ीद रिक्वेस्ट है कि जो लेना चाहते हैं तो फ़ौरन रब्ता करें हमजा के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।